पुतिन को सत्ता से हटाने की कसम खाने वाले निजी आर्मी ग्रुप वैगनर के मुखिया येवनेगी प्रिगोजिन 12 घंटे में ही समझौते की टेबल पर आ गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी चाल चली कि वैगनर ग्रुप के मुखिया देखते रह गए और समझौते को तैयार हो गए। पुतिन ने दिखा दिया कि वफादारी की गद्दारी क्या होती है। दरअसल वैगनर ग्रुप के चीफ येवनेगी प्रिगोजिन और रूस के बीच शनिवार रात को आखिर समझौता हो गया। रूस को नया राष्ट्रपति देने की बात कहने वाले येवनेगी ने महज 12 घंटे में ही पलटी मार दी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर ग्रुप के चीफ येवनेगी प्रिगोजिन के साथ रूस का समझौता कराया। इसके तहत प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। अब येवनेगी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के साथ बेलारूस रवाना हो गए। शनिवार देर रात वैगनर ग्रुप के चीफ येवनेगी प्रिगोजिन ने एक टेलीग्राम चैनल के जरिए कहा, खून खराब हो सकता था लेकिन एक पक्ष ने जिम्मेदारी को समझा ताकि इसे रोका जा सके। हम अपने काफिले को वापस कर रहे हैं और योजना के अनुसार फील्ड शिविरों में वापस जा रहे हैं। बेलारूस ना होता तो हो जाता गृह युद्ध। समझौते के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के दोस्त अलेक्जेंडर लुकाशेंको समझौते में भूमिका ना निभाते तो क्या गृह युद्ध हो जाता। इस विद्रोह को खत्म करने में पुतिन के दोस्त और बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अहम भूमिका निभाई। एक मध्यस्थता की भूमिका अदा करते हुए लुकाशेंको ने रूस और येवनेगी के बीच डील कराई, जिसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को वापस लौटने को कहा। किस बात पर हुआ समझौता? क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया को बताया, येवनेगी प्रिगोजिन के खिलाफ विद्रोह के मामले में आरोप वापस लिए जाएंगे और उनके साथ शामिल होने वाले सैनिकों पर भी केस नहीं चलाया जाएगा। येवनेगी खुद बेलारूस चले जाएंगे। इसके अलावा जिन लड़ाकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बल्कि इसकी बजाय उन्हें रूसी सेना में शामिल होने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मौका दिया जाएगा। जिस तरीके से शनिवार को येवनेगी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के साथ रूस के शहरों पर हमला और कब्जा किया था, उससे यही लग रहा था कि अब गृह युद्ध होकर रहेगा। लेकिन पुतिन ने येवनेगी की कमजोर नस पकड़ ली और राष्ट्र के नाम भावुक होते हुए संबोधन दिया। पुतिन की भावुकता भरी अपील का असर यह हुआ कि रूस की जनता पुतिन के साथ खड़ी नजर आने लगी। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पुतिन ने कहा कि सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है। येवनेगी ने जो भी कुछ किया वो पीठ में छुरा घोंपने के समान है। जो देशद्रोह के रास्ते पर चलकर रूसी सेना के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देश अराजकता और भाईचारे की हत्या, हार और अंत में आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहा है। ये बगावत ऐसे समय में की गई है जब यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस अपने भविष्य के लिए सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। पश्चिमी देशों का पूरा सैन्य, आर्थिक और सूचना तंत्र हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति का यह बयान रूस की संघीय सुरक्षा सेवा द्वारा वैगनर समूह द्वारा सशस्त्र विद्रोह के आह्वान पर एक आपराधिक मामला शुरू करने के कुछ घंटों बाद ही आया था। किस बात पर शुरू हुआ था विवाद? वैगनर ग्रुप रूस के भाड़े के सैनिकों की एक निजी सेना है जिसकी अगुवाई येवनेगी करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध में इन सैनिकों ने रूसी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन से लोहा लिया। इस युद्ध के दौरान रूस की सेना और वैगनर ग्रुप के बीच तनाव बढ़ा तो वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने रूस के सैन्य नेतृत्व को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और बात बगावत तक आ पहुंची। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि यूक्रेन में उनके सैन्य अड्डों पर रूस ने हमला किया। रूस ने हालांकि इसका खंडन किया था। वहीं पुतिन को इस बात का आभास हो गया था कि उनके खिलाफ प्राइवेट आर्मी बगावत कर सकती है, इसलिए वो पहले से ही सजग नजर आ रहे थे। वहीं शनिवार को पुतिन की मॉस्को छोड़ने की अफवाहें भी फैलती रहीं। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा से दो विशिष्ट मेहमानों की उड़ान भरने की जानकारी से इन्हें और बल मिला। आपको बता दें कि वैगनर ने यूक्रेन जंग में हार रही रूसी सेना के लिए 5 महीने में 2 शहर जीते थे। इसके करीब 50,000 लड़ाके यूक्रेन जंग में लड़ रहे थे जिसमें 30,000 मारे जा चुके हैं। वहीं वैगनर ने जिस रोस्तोव शहर पर कब्जा किया वो रूस के 5 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में से एक है। यहाँ से यूक्रेन जंग के लिए लॉजिस्टिक मसलन हथियार गोला बारूद मुहैया कराया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।